সময় আমরা সকলেই অনেক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার সাক্ষী দেখেছি। তেমনি এক সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইলিক প্রোডাকশনের হাত ধরে আসতে চলেছে কুসুম কা বিয়াহ। আর আজ তার প্রিমিয়ার। আমি সুচিস্মিতা জিও বাংলার পক্ষ থেকে চলে এসেছি সেই প্রিমিয়ারে, কথা বলে নেব এখানকার কলাকুশলীদের সাথে এবং দেখব এই প্রিমিয়ারের কিছু ঝলক। ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট, মানে আমরা প্রত্যেকে কিভাবে তখন তিন চার মাস সাফার করেছি উই অল নো, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস অ্যান এক্সেলেন্ট, এটা তো রিয়েল স্টোরির ওপরে ঘটনাটা, বাট ইটস অ্যান এক্সেলেন্ট কনসেপ্ট যে মানে একটি মেয়ে তার বিয়ে হয়ে যায় এবং তারপরে সে কিভাবে সেই লকডাউনকে ফেস করে, সেটাকে কিভাবে, আমি বাকিটা বলবো না কারণ গল্পটা রিভিল হয়ে যাবে তাহলে, বাট ইটস আর ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, ভেরি টাচি সাবজেক্ট। আর আমার প্রথম সিনেই আমাকে দেখা যাবে, দেন মুভির কিছু কিছু পার্টে আমি রয়েছি। লাইক আমার এখানে যে এই মুভিটা লেখে বেসিক্যালি, যেটা মানে বই রাইটার যে লেখে সেটা থেকেই সিনেমাটা অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে, তো আমি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে চরিত্রটা করছি, তো তাকে সহায়তা করি বেসিক্যালি। ट्रेलर में आप जो देखे हो ये लॉकडाउन के ऊपर बेस्ड ऑन करके एक ट्रू स्टोरी है, जिसको यहाँ पर पिक्चर का तरफ से मैं दर्शाया किया दिखाया थोड़ा लिबर्टी लेकर, डायरेक्टर लिबर्टी लेकर, बस और कुछ मेरा दिल और दिमाग में इतना ही था कि मेरे उसका स्टोरी लाइन अप है, उसको ठीक से रखा जाए और स्टोरी को जो ओरिजिनल है उसको दिखाया जाए। इसमें जितना भी क्या है ट्रू है, जितना भी सत्ता है एक काम करने के लिए, ऑनेस्टी एंड उसका जो लाइबिलिटी है, ये दोनों को एक साथ मिला के इसको बनाया जाए, ये चीज़ मैंने दिमाग में रखा था। मतलब यहाँ पर दूध और पानी का जो मिश्रण है वो एकदम ही नहीं है, दूध दूध ही है। देखिए जब मैं किसी को लिया हूँ, एक टीम है, मैं कुछ करने के लिए एक टीम तैयार किया जहाँ पर मेरा DOP से ले कर आर्ट डायरेक्टर से ले कर एक्टर ऑल आर इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर जितना भी लड़का या लड़की काम किया है, सीनियर हो जूनियर हो, ये सबको मैंने चूज़ किया, तो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर मेरा उतना आत्मविश्वास है, इसीलिए मैंने चूज किया। देखिए मैं पिक्चर बनाया, मैं तो हर चीज़ को अच्छे ही बताऊंगा, ये सब कुछ अच्छा है। कोई भी डायरेक्टर अपना पिक्चर को खराब नहीं कहेगा, कोई भी आदमी अपना संतान को कभी बोलेगा नहीं ये मेरा संतान सबसे खराब है, सभी बोलेगा मेरा संतान सबसे अच्छा है। तो मैं तो ये कहूँगा, ये तो देखने वाला देखेगा और वो जस्टिफाई करेगा कि इसमें कितना अच्छा है और कितना सही नहीं है। देखिए डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है अपना पर्सपेक्टिव्स को बनाता है, इसके लिए डायरेक्शनल मीडिया कहता है, ऑडियंस मीडिया नहीं कहता है। हाँ ऑडियंस का दिल में और दिमाग में रखते हुए बनाता है, मगर वो खुद ऑडियंस बन जाता है जब वो पिक्चर देखता है। तो बीइंग माय डायरेक्टर जब मैंने इस पिक्चर को देखा तो मुझे लगा इस पिक्चर को देखना चाहिए, अभी ऑडियंस जनार्दन है, भगवान है, वो समझेगा। বলছেন কলাকুশলীরা, কেমন লাগলো আমাদের ভিডিওটি জানাতে ভুলবেন না আমাদের কমেন্ট বক্সে, ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না, এরকমই আরো অনেক ভিডিও দেখতে নজর রাখবেন জিও বাংলার পর্দায়। ক্যামেরায় অয়নের সাথে আমি সুচিস্মিতা, দেখতে থাকুন জিও বাংলা।